अब इसमें ये पीस चुका था, लेकिन हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे। अभी भी नहीं पीसा। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि हम ज्यादा डाल देंगे ना एकदम से तो दाल गीली हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है हमें इसे। अभी भी नहीं पीसा, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालो। और इसको ये पीस चुका है, ये थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ नहीं पीसा और कुछ कुछ पीस चुका है। इसको ऊपर नीचे करके एक बार थोड़ा सा और चला देंगे, ताकि इडली नहीं लग रही, वो फरा है, इसको कहते हैं फरा। फरा हमारे गांव में बहुत बनता है, ये बहुत टेस्टी लगता है, बड़ी मम्मी कह रही है। ये बन गया, ये बन चुका है पेस्ट। देखिए ज्यादा ना दरदरा है ना ज्यादा महीन है, इसमें साथ में ही काली मिर्च और हींग डाल देना, नमक मत डालिएगा, नहीं तो दाल जो है पानी छोड़ने लग जाएगी और फिर ये बन नहीं पाएगा। पहले प्लेट निकाल लो, नहीं तो हाथ पे लग सकती है। ये देखिए इसको हमने पीस लिया, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ऐसे एक बार चला देंगे ताकि ये साफ हो जाए। साफ हो गया। इसको हरी धनिया की चटनी के साथ खाएं और अच्छा लगता है। और इसको जब बन के तैयार हो जाए बस उसको थोड़ा सा घी या बटर डाल के जीरे के साथ फ्राई कर दो, बहुत अच्छा बन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ हरी धनिया मैंने साफ करके रखी थी और कुछ गंदी, और अभी थोड़ी सी और ले लेती हूँ क्योंकि दाल हो गई है ज़्यादा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर। ये अदरक लग रहा है मुझे, अदरक नहीं है हरी धनिया, बस इसकी पूंछ बड़ी अजीब लग रही है अदरक जैसी, इसकी जड़। जानी इतनी सारी मैं पन्नी में कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर इकट्ठे डस्टबिन में डाल देती हूँ, मैंने तो सर में डस्टबिन नहीं रख रखा ना, इधर रखा होता तो किचन में रखने से ना बीमारियाँ फैलने का डर रहता है, तो मैं पन्नी में इकट्ठा कर लेती हूँ एक बार, फिर डस्टबिन में डाल दिया। हरी धनिया डाल देंगे, हरी धनिया ऑप्शनल है, अपनी इच्छा है, पर मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अच्छा तो हमारी धनिया कट चुकी है, और कुछ बताना चाहते हैं कितना सारा का एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस क्या है, बस शौक था, शौक है, अभी भी नई नई तरीकों को आजमाने का,
और कोशिश अपनी यही रहती है कि मैं कोई भी चीज़ आजमाऊँ तो वो अच्छी बने। मैंने कल कढ़ाई पनीर बनाई थी बट मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का मसाला उसमें नहीं डाला, खाली अपने घर में हल्दी धनिया मिर्च यही नहीं सबसे बनाती। मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले जल्दी से नहीं यूज़ करती जहाँ तक पॉसिबल है। अगर मैं कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मुझे इमीजिएटली कुछ बनाना है तो चाहे मुझे यूज़ करना पड़े वरना मैं यूज़ नहीं करती। खाना बनाने का काम जो है वो पेशेंस का है। खाना बनाने का मतलब है बहुत सारा पेशेंस होना आपके अंदर, अगर एक अच्छा खाना बनाना चाहते हो आप तो। और अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो फिर मैं बहुत पेशेंस रख के और टाइम लेके बनाती हूँ खाना और कोशिश करती हूँ कि अच्छा बने। और आई होप मेरे फैमिली को भी अनदर को भी सबको भी अच्छा लगता है तो इसलिए मुझे लगता है मेरे तरीके से आप भी बना के देखना फिर आप बताना कि कैसा बना है। बट पेशेंस रख के, बिगर पेशेंस के कुछ नहीं होता। खाना बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और दिल से बनाओ। अगर आप उसको नमक डाल के भी बना दोगे ना बहुत अच्छा बनेगा, किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। मैं अपने घर में मसाले जो हैं जो चीज़ें हैं उन्हीं से बनाती हूँ, ये नहीं कि ये चीज़ नहीं है तो बाहर से लेके आओ बनाओ, नहीं मैं उसको स्किप करके फिर बनाती हूँ और फिर भी वैसा ही बनता है। इसलिए खाना बनाए पेशेंस से प्यार से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भूना कर लेंगे, पानी भूना कर लेंगे उसके बाद आटा सान लेंगे। अब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। इसमें हरी धनिया हम मिक्स कर देंगे। इसका मिला रहा हूं फिर आटा सानना है इसलिए मैं इसको अलग कर रही हूं। अच्छा, और कुछ आप बताना चाहोगे? जैसे आगे का प्रोसेस देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। अब हमने आटा को निकाल लिया, अब हम इसमें सॉइल डालेंगे। अच्छा मुझे लगा था ये पत्थर वाला नमक है। नहीं, ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट यानी काली नमक। काला नमक काली नमक नहीं, काला। ओके, पानी ज़्यादा गर्म है तो इसमें और पानी मिला देंगे ठंडा। पहले आटे ही गूंध लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया यार ये तो। चलो अभी भी गर्म है। तो गंदा पानी क्यों मिला लिया? साफ था क्या? साफ पानी है, गंदा पानी थोड़ी ना। मुझे लगा था ये गंदा होगा। तो गंदा कौन सा है इसमें से? अच्छा खाने में कोई गंदा पानी मिलाता है पहले बताओ। नहीं, लेकिन यहाँ पे धुआं धुआं निकल रहा है। इसको सानने में बड़ी मेहनत है और एक्चुअली आज मैंने थाली ली है छोटी नहीं तो ये
इतना हार्ड है ये, इसको सानने में बड़ी मेहनत है। ये बार बार बाहर ही निकले जा रहा, डाल देता हूँ। तो आप पहले बड़ी प्लेट ले लिया करो ना। अरे बेटा बड़ी थाली ऊपर रखी है मैंने, कहा हो जाएगा लेकिन आटा ज्यादा हो गया। तो बड़ी थाली लिया, इसी में काम चलाएंगे आज। कहीं पता चले हालत ही खराब हो जाए यहीं पे। बार बार तो कुछ कुछ बाहर निकल रहे, कुछ कुछ अंदर रह रहे। मत उठाओ सो, रहने दो। कोई नहीं, हो गया बस। बुढ़ा मैं इतना मोटा आटा, फिर बाहर निकल रहा है। माता जी अब चली, उन्होंने सोचा होगा बन गया होगा, चलो खाऊं बैठ के आराम से। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर दादी स्टडी रूम में गई और हर्ष वहाँ पे वाटर जूनियर सीख रहा होगा तो और वहाँ पे हर्ष बैठा होगा पढ़ रहा होगा, वहीं चली गई तो कोई बात नहीं, मना कर देना, बोले नहीं बस। मम्मी चली, मैंने सोचे मैं बन बनी गया तो चली आराम से खाई। नहीं तो नहीं सोचे, और तब तो 11 बजे कह रहा नहीं, 1 बजे आई वो। अभी 11 बजे का आवाज दिया, इसलिए 11 बज गए, 12 बजे नाश्ते ही क्या का हो गए। और का मशीन मारा तो मैं दे रही है नहीं मैं। पता है जब मैं एक बार बनाया था तो बताऊं क्या हुआ था, प्रज्ञ का बर्थडे आया था तो दादी से बताऊँ क्या बुलवाया था। मैंने बोला जो जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलना। मैंने बोला अगर आपको ये पसंद आए, तो इन्होंने यही बोला, तो इन्होंने तो मैंने बोला इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दादी ने क्या बोला, क्या उस पे पेपर रखा? बोलो कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए, बोलो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और बीच के घंटा बटन को ऑल पे कर देना। बीच के एक घंटा बटन को ऑल पे कर देना, घंटा ऑन पे कर देना, बीच के बटन एक घंटा ऑन पे कर देना। नहीं उस बेल को ऑल पे कर देना, उस बेल को ऑल पे कर देना, उस बेल को ऑल पे कर देना, अरे बस करो, उस बेल को ऑन पे कर देना। मैं यही बोल रहा था, मैं ठीक बोल लेता हूँ इसे। अब ये देखिए कितना गर्म हो गया है, ओवन निकल रहा है। क्या बोला था इनसे?
अब इसमें डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा नमक पानी में। पूरा गर्म है और बहुत बबल निकल रहा है और यहाँ धुआं भी निकल रहा है, धुआं धुआं। पापा है मम्मी? हींग डालना है लेकिन तब भी गर्म लग रहा है। अभी इसमें और पानी, इसमें और पानी। ए अब जाओ तुम उस पे वो पेपर रखा है, उठा बनाए। अब इसके लिए हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी, ये लो पेपर। तुम्हारी चप्पल खा गई? ना मेरी और मेरी चप्पल खा गई। ठीक है चार घंटे बैठ ले, पानी पूर पूर करके पिया जाए, पीना भी है, काम करके पीना तो नहीं चाहिए लेकिन अब एक घंटा जब तक मैं जाऊँगी बैठूंगी। ये कहा है काम में एक बार देखते हो शायद तुम उनकी उनकी कहीं बना ही होगा बेटे बैठे बेड पे बैठते हैं। हाँ 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 बेडो बेडो गंधा है हमारा। हाँ गंधा है ना भाई, हम कह रहे भागत वाला चैनल नहीं आएगा भाई। कौन सा चैनल है? क्या भागत वाला चैनल कहाँ है? अरे सर वो यूट्यूब पे चला रहा होगा। अरे अरुणिंद वाला, जो अरुणिंद वाला था नहीं वो जो लाइव चलता रहता पूरा दिन, साधन भक्ति कुछ करके ऐसा कुछ था। साधना भक्ति जब चला क्या? यहाँ पे इसका गोला बन रहा है ऐसे, हाथ से थोड़ा थोड़ा आटा लेके ऐसे पहले रोल कर लेंगे, फिर उनको दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे 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 ना ज़्यादा मोटा रहे ना ज़्यादा पतला, ज़्यादा मोटा होगा ना तो ये पकेगा भी नहीं जल्दी, फिर टाइम लेगा, इसलिए बीच का साइज। ऐसे बना के रख लेना है, फिर इसे फिल करके भाप में रखेंगे। आटा ज़्यादा गीला ना हो नहीं तो ये हाथ पे चिपकेगा और बनेगा नहीं। ये अलग से मेरा चिपक रहा है लेकिन मैंने इसका एक ऐसा वाला वो बना लिया फिंगरप्रिंट। दादी को दिया दादी को दिया ये क्या पहले बताओगे? पूरा थाली थाली ले लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, उस दिन भी तो रिपीट करवा देंगी से। ठीक से बताओ, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला। मैं एक खुराफात करने जा रही हूँ, देखती हूँ ऐसे काटने से बन जाता है जल्दी। हाँ बन तो रहा है, और जितना है इसको इसी में डाल दो। मैं भी करूँ अभी, रुक जाओ। मैं बहुत खुराफाती हूँ, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। ये मोटा हो गया है। हाँ अभी मत काटना। मुझे क्या पता था अभी करना है कल करना है। अभी पतला तो करने दो। अच्छा अगर मोटा हो जाता तो ऐसे करना, तो पतला है ना।
आई एम राइट हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड, अगर बेकार बने तो कुछ मत कहना प्लीज। बेकार क्यों बनेगा, आपने उस दिन पनीर का सब्जी भी बनाई थी, वो भी अच्छा था। तो देखो अब इसको ऐसे काट देंगे। निकाल लो, निकल रहा है? नहीं, चिपक गया ना। पहले चिपका दो फिर दोबारा निकाल दो। अच्छे से तो गलतियां होती रहती हैं। एक खुरापात सूझी थी मुझे, मैं ट्राई कर रही थी उसको, लेकिन ये वाला खराब बन गया इसके चक्कर में। ये खराब नहीं, ये सही है, लेकिन ये जो इतने कचड़े हैं इसको यहीं रख दो। अभी उसको निकाल दे, मेरा आइडिया इसे निकालने का, ये खराब नहीं होगा। देखा निकल गया ना, निकलने के चलते कचड़ा तो मिल गया। ये देखा, ये देखो छोटा छोटा लो, बेलते हैं छोटा छोटा ही बनाए। बन नहीं रहा है, तो छोड़ो हाथ से बनाते हैं। दब जाएगा बेटा, वो बनेगा। ये खराब कर रहे हो, मुझे क्या पता था ऐसे हो जाएगा। हेलो बताना था, हाथ से बनाएंगे। इसके लिए मोटा मोटा चाहिए होगा, या फिर पत्थर लो उसी से बेल लो, जैसे कि जमीन। ये कैसा बन गया है, अरे कैसा किया जैसा। कोई जरूरी नहीं है कैसा भी बने, बनना चाहिए बस, साइज पे नहीं जाती। इसमें थोड़ा सा ना टाइम लगता है। गोला बना के ही रख देता हूँ। थोड़ा छोटा बना बेटा, बड़े ज्यादा बना रहे हो। जैसे ये हाथ की उंगली यहीं छप गई। ना होगा जल्दी उतना होगा काम खत्म। ये मेरा दूसरा बेटा है, इसको खाने पीने का बहुत शौक है। दोनों भाइयों को खाने पीने का बहुत शौक है, कभी कभार खाता हूं। अभी अपनी क्लास ले रहा है इसलिए ये मेरी हेल्प करता है। ए वो चुप्पी का है, निकलता तक भी नहीं, बदमाश कहीं का। जाताली के बाद ये तो बन गया, तो लो रख दे। लो फोन करते दादी की। हो कितना बना? लो दादी का बना है ये, लो रख। Thank you.
लो, गोला बना के रख रहा हूँ। मेरे हाथ पे भी थोड़ा बहुत लग गया है। ऐसे बराबर से मिक्स कर लिया है कि सारी तरफ नमक, सब जगह नमक मिक्स हो जाए। अब हम इसको एक एक उठाएंगे और ऐसे फील करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे मोड़ देंगे। और फिर हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे रखेंगे। कैसे भी रख सकते हैं, रखना अपने ऊपर है। ये देखो, कैसे भी रखो, रख अपने तरीके से रख सकते हैं। खा लो एक बार, खा लो, जाओ हैंड वॉश कर लो, बार बार मत खाना, ठीक है? अभी बनेगा तब खाना। ओके। छब्बीस मिनट की बन चुकी है अब तक तो। पॉज कर दिया तो बेटा, बीच में इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखेगा। ओके, पॉज कर दो।